अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हुण असीं जा रहे हां मक्का दी अल मशहूर मंदिर ट्राई करन। उस्मान भाई ने बड़ी तरफा कीती है कि मंदिर जिहड़ी है ना ये लाजम ट्राई करनी है। सुनना चाहे कि बहुत ही वधिया बनांदे ने, तो मैं कहा चलो आ जाओ मंदिर ट्राई कर लैने, कोई मसला नहीं। हुण असीं टैक्सी कराने हां और चलते हां मंदिर खान। कौन सा दोगे पीस? अच्छा आधा नोस केड़ा पीस लेने को? ये ठीक है, आयो आगे आ जाओ हड्डी के बगैर दे सकते हो? हाँ सर, ऊपर खाएगा पर्ची ले लिया। चावलों के साथ आते चावल तो है अलग है, चावल चाहिए तो वो मिलेगा 5 किलो। ठीक है, हम यहाँ बैठने लो जी। मंदी आ चुकी है और इंतज़ार किए बगैर इन्हें खोलते हैं, तुम्हें दिखाने हैं कि मंदी मक्का दी कैसी है। ये वैसे सब तो अच्छी मंदी है मक्का विच। बिस्मिल्लाह करते हैं, इसकी खुशबू बहुत ही सोहनी आ रही है यार, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाह लो सर, मंदी थोड़ा सामने हाजिर है। मंदी नाल ए लवाजमात मिले ने, इना दी एक स्पेशल चटनी होंगी है, नाल बोतल है पतली बोतल की है, नाल मर्चा ने और लैमन है। मंदी की सब तो जी बेहतरीन चीज़ है ना सर, वो याद रखना वो है ना जो मीट है। सारे पैसे इस मीट के ने, इनू कहते हैं बकरी, बहुत ही यानी यार इनू एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता कि कितना लजीज नजर आ रहा है। यह जरा सारा एक्चुअल मीट है, बहुत ही मतलब बहुत ही गर्म है यार, बेइंतहा गर्म है। थोड़ा जहा टेस्ट करते हैं और थोड़ा टेस्ट करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं कि चावल किस तरह के होते हैं। यार चावल ठीक लग रहे हैं, नॉर्मली यखनी चावल सारे पका देने और उदा अपना ही मजा आता है। बिस्मिल्लाह चावल में ना खुशबू आ रही है, जिस तरह लैम पका दे ना लैम उबाल दो खसूसन उसकी खुशबू आ रही है। हूँ असं ट्राई करते हैं इनू लैम ना ला बकरी ना ला के। वैसे मक्का में ना सऊदी अरब लैम नू या शीप नू बकरी कहते हैं। सर एक्चुअल मंदी है, ये ट्राई कर दें। सुभानअल्लाह, एक और चीज ट्राई करनी इदी ना चटनी जी ने बड़ी स्पेशल है। ये आंदी इसी कम से अगर तुम नाल ना चटनी पा लीए उत्ते असी मंदी पा लीए, यह हूँ कमाल का बाइट होने लगा इंशाल्लाह। गल हो गल तो होने मजे सारा इसी चीज़ का।
यार बेहतरीन है। जदन भी तुम उमरा करना हो हज करना हो ये मंदिर लाजम ट्राई करना, ये डेफिनेटली तुहाडी टॉप फाइव टॉप थ्री लिस्ट लाजम होनी चाहिए है। तुम अंदाजा लो कि जिस अस खाना खा रहे उसके सामने खा रहे हैं समान वाला रेस्टोरेंट गारे हिरा की तरफ है जबल नूर की तरफ। थोड़ा बहुत मुश्किल होगा सर्च करना, तुम डिस्क्रिप्शन एड्रेस ले लेना। खाना शुरू करते हैं, इंतजार नहीं हो पा रहा, थोड़ा मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह खाना खाने के बाद। जनाब उस्मान भाई भी कमर उछे के रखे माशाल्लाह। उस्मान भाई नवी चीज सुनी की मिली है? यार बड़ी जबरदस्त मंदी है, बड़ी बड़ी मंदियां खा दी हैं। थैंक यू भैया, पर एहो जी मंदी नहीं खा दी, यकीन करो। राइस इन्हां दे आउट क्लास ते लैम इन्हां दा उस तो ही वधिया, ते हाथ नाल खाण दा ते अपना ही मजा है। वाह गबगा। तो लोकेशन तो मैं कहना तुहानूं मैं दस नहीं सकदा, सामने जबले नूर है बड़े मजेदार सी, असी बड़ा एंजॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह असी हाफ के जी ऑर्डर की थी जिसकी कीमत 85 रियाल। अगर तुम बंदे दो तो ज़्यादा हो या बहुत ही ज़्यादा भुख लगी है फिर तुम एक बंद के जी ऑर्डर कर सकते हो जिसकी प्राइस 170 रियाल। असी दो बंदे ने यानी कि दो बंदे ने ऑर्डर की थी जी हाफ के जी है 85 रियाल की खाक, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया, बहुत ही लजीज बनी हुई थी। जो जो मीट है जो कि बकरी कहते हैं वह भी बहुत ही बेहतरीन सी, जी चर्बी सी ना उदा मज़ा आ गया यार। ये ज़्यादा कोई मसाले वगैरह लगते नहीं हैं, देखना तो लगता है जैसा सादा ही है लेकिन खाने बड़ा मजा आता है। चावल भी अच्छे सन। अगर तुम मक्का आते हो और तुम मंदी खाने का बहुत शौक है तुम इस जगह से आकर लाजम मंदी ट्राई कर सकते हो। ये मंदी रीजनेबल प्राइस देने ने और इन्हों की मंदी जी क्वालिटी भी इन्हों बेहतर होती है। ये अल इस्लाम हॉस्पिटल बिल्कुल सामने है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैं इसका प्रोपर एड्रैस पा देवगा, चूँकि इसका जोड़ा एड्रैस है ना वो गूगल से इतना आता नहीं है क्योंकि मक्का तो थोड़ी जी हरम तो थोड़ी जी 10-15 मिनट दूर है। ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडियन हरम में ही खाना खाते हैं, हरम तो बाहर नहीं आते, लेकिन हरम तो बाहर ही सारे खाने अच्छे अच्छे मौजूद ने। ये किबला वकास साहब बैठे हुए हैं, इनकी सिटिंग स्पेस बहुत ही लग्जरी है, मतलब दिल ऐसे कर रहा है कि खाना खा के बंदा जो है ना यहीं पे सो जाए। तो बहुत ही साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, वाइब्स बहुत अच्छी आ रही हैं। और जैसा कि आपको पहले भी बताया है वो सामने गारे हिरा है और गारे हिरा जो है ना बिल्कुल सामने है और ये गारे हिरा के ऑपोजिट जो है वो हमारा रेस्टोरेंट है और ये गारे हिरा आ गई और ये सामने जो है ये अल सलाम हॉस्पिटल है, ये वाला इसके ऑपोजिट जो है ना रेस्टोरेंट की लोकेशन है। बाकी सिटिंग प्लेसेस इनकी बहुत ज़बरदस्त है, एसी वगैरह बेहतरीन लगे हुए हैं, तो आप जहाँ भी बैठना चाहें अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं। लिफ्ट भी है इनके पास, कोई ऐसे मेहमान जो सीढ़ियाँ ना चढ़ सकें तो वो लिफ्ट में आ सकते हैं। बाकी बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह रेस्टोरेंट जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया, खाना खा के बड़ा इंजॉय किया। जो लोग लैम पसंद करते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है ये, वो आके यहाँ पे बना सकते हैं।